नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 10/56 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि दूसरी संख्या बराबर 12x। ठीक है, दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी थी? 132। जब 132 की गुणनखंड करेंगे तो 12 × 11 आता है। ठीक है, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 1056। जब हम इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 12 एक बार आएगा, x एक बार आएगा और 11 आएगा, बराबर 10/56। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा? 10/56 / 12 × 11। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 11 से भाग देंगे, 11 का 9 आ जाएगा 99, 6 बचा 66, 12 से काटेंगे 12 × 8 = 96। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। हमें निकालना क्या है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने? 12x। तो दूसरी संख्या बराबर 12x, तो 12 × 8 बराबर 96। ठीक है, तो दूसरी संख्या निकल के क्या आ गई? दूसरी संख्या आ गई निकल के 96। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।